I got did the interview on the call with the respective person, with the manager. He hired me there. So in September, I had a university job as well and even a off-campus job basically. Mm-hmm. But later my life got churned. That's another story. I'm not doing a university job right now. ये भी पूछना है viewers के लिए कि जब नया नया आया, ठीक है, इंडिया में पता नहीं कोई काम, इंडिया में कोई काम किया था? Yeah, I did because I support my family. So I used to gain experience. I, to be honest, I'm an extrovert person. I have a capability to talk to people, to make new friends, to talk to them so that I can get what their viewpoint to life is. So I used to talk to people. So my Indian job was like where I used to study my IELTS, where I got training for my IELTS. Mm-hmm. I started working there. So that's why it was my first job. Okay, वहाँ पे क्या था? Well, as the receptionist on the front desk. Okay, okay, okay. तो वो वाला एक्सपीरियंस था तुम्हारे पास? Yeah, I just put that on this. Even if you don't have an experience in India, just put anywhere of experience. They're gonna not gonna see or they're gonna ask you any bank statements. Just put any experience as a cashier, as a storeman. Even your parents might have any of the business. Just enroll in them, sir. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कोई पर्सनल घर का ही कोई बिजनेस होता है, उसका एक्सपीरियंस तुम्हारे पास बेशक चाहे पर्सनली तुमने काम नहीं किया है, बट तुम्हारे पास वो नॉलेज है कि काम होता क्या है. अगर तुम गुल्लक पे भी बैठे हो तुम्हें पता है कि वहाँ पे काम क्या चलते हैं, राइट? तो वो वाली चीजें तुम डाल भी दोगे तो यू आर नॉट गोना गो कि लाइक हाँ मैं बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा हूँ. और वो इतना टेंशन में सर्वाइवल जॉब के लिए इतनी ज्यादा कोई डीप में नहीं जाता, वो आपका एक्सपीरियंस समवॉट देखते हैं, बट वो ज्यादा चीज आपकी देखते हैं अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी आपकी कब है, उनकी नीड आप कब फुलफिल कर सकते हो, राइट? तो वो उनको बस मैन पावर चाहिए. मैन पावर वो रंग रूप शक्ल वगैरह रंग ढंग वो ये नहीं देखना उन्होंने, और उनको मैन पावर आपने प्रोवाइड कर दी अगर सही उनकी नीड के हिसाब से तो आपको हायर कर लेंगे. तो बस अप्लाई करना है. और सागर ने जैसे कि कहा कि उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस था वो उसने रखा, और जो यूनिवर्सिटी की जॉब मिली उसके लिए कुछ रेज्यूमे में स्पेसिफिक डाला था कि नहीं? नॉट रियली, इट्स जस्ट दैट बेसिकली रिज्यूमे भी इतना आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं फील करता, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, बेसिकली इंटरव्यू इज नथिंग, बहुत हवा वाली चीज नहीं है. शी गोना द पर्सन गोना जस्ट आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस, कि शी गोना टेल यू व्हाट द जॉब इज, व्हाट एवरीथिंग इज, व्हाट अबाउट द जॉब इज, वेदर यू गोना फुलफिल दैट कंडीशन ऑफ देयर्स और नॉट. जैसे युवराज पाजी ने बोला, व्हाट्स द अवेलेबिलिटी, यू गोना फुलफिल दैट, यू गोना गुड विद योर कम्युनिकेशन. एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हाउ यू कम्युनिकेट, यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. आई शुड से दैट because when you have to make a Sagar. not really. So my job was a call center, I have to make calls every time, so you should be fluent with English. So be fluent with your English, rest you're gonna have a little confidence. Some people are gonna say I'm not good with speaking, I'm a very shy person, but once you are here bella nahi matlab kuch keh sakde, no one gonna care about how you are, you just go it and have it, enjoy the life. ये भी गल है कि ये. फिर उसके बाद सागर ने एक थर्ड जॉब जो बार ऑफ कैंपस वाली जॉब थी वो डॉलरामा वाली वो चेंज की थी. नाउ ही इज वर्किंग एट शॉपर्स ड्रग मार्ट, राइट? ओके, मैं एक महीना मैं डॉलराम आई वन मंथ आई वर्कड एट डॉलरामा, बट यू नो डॉलरामा वाज अ सर्वाइवल जॉब. आई हैव टू डू क्लीनिंग एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग इन अ वन मंथ, सो इट वाज अ लाइक I have to get indulged into that work, I have to show up. It was very hard work to me, especially cleaning. No one likes to do cleaning. So cleaning ka nahi sokhi nahi hundi, theek hai, pocha da to sokh janda hai, udon da floor de utte oh fisalda vi nahi hai, fir ragdi jao, right? Fir par gilla pocha maar vi nahi sakde tusi, oh jene kita oh samajh jayega main ki kehna cha reha, baki ede te apan nahi jande, baki agge. Okay, from September to October I did Dollarama. To I was not basically in need of a second job. I was satisfied, but I was looking for something I should upgrade myself. I should look for something which gonna give me more benefits to my job. The point is, job, even survival job here has benefits. If you're gonna work for a good company, a good franchise, if you're not working, especially under the Indians in the restaurants, yeah, restaurants are mostly full of Indians. Mm-hmm. And even they didn't pay you for their training. I have experience, I applied for some jobs. They said, yeah, we're going to hire you at the restaurant, but we won't pay you for training. Jadot, you see, whenever you listen to this thing, walk out. Never work there, to be honest. That's my thing. Even I applied at a gas station, a person said me, will not pay for a training. I said, I don't want to work. Simply on that. And one more important thing, you should be clear what you want in your life. Whether it's job, whether it's your study, be clear, be to the point to your manager. So first job I did, then applied through Indeed only, applied to the Shoppers Drug Mart. I got the job at Shoppers Drug Mart. I left Dollarama from September. I should work from October. I started working at the Shoppers.
And in October, I worked full time because I had a university job as well. And I had a off-campus job as well. So in October, I was working full time. Somewhat near about 30-40 hours around that. In a week. In a week. Not in a month, in a week. In a week, I was working that much. But again, the fate got changed. So interview kaisa raha un jobs ka? It was really good. To be honest, how much you can talk, how much you can pitch the manager to the team worker, you are good to go. It's interviews are it's just about your basic general information you have to. It's simple. वो ज्यादा ये भी देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं. सागर की तो आप देख ही सकते हो, ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी इंटरव्यू मिस करेगा ये, है ना. बट अच्छा है सागर ने. और इंटरव्यू में कुछ स्पेसिफिक जो उन्होंने पूछा हो जो तुम्हें लगा वर्थ मेंशनिंग? नथिंग लाइक दैट. टू बी जस्ट इफ यू आर गोना अप्लाई फॉर दैट जॉब, जस्ट बी कंसिडरेट इनफ दैट यू रियली हैव टू वर्क हार्ड. टेक दैट जॉब सिंसियरली. You should not take that if the manager is giving you 5 p.m. to reach, you are reaching at 5:50. To be honest, I am never late at my shift. Even that's a survival job. Mm-hmm. If the manager has given me 5 p.m., I'm there at 4:50 or 4:45. हाँ, वो वाली तुसी responsibility नो काफी तुसी seriously लेना है. ऐ नहीं कि you know 5 मिनट ही है यार चल दा है ना. वो नहीं गल हैगी. It's not about 5 minutes. It's about going into habit of getting late and then it doesn't give a good impression. ठीक है, भावा दूजा बंदा लाइट आ, लीनियंट आ, तुहाडा मैनेजर लीनियंट भी हैगा, बट ओहदे दिमाग दे विच गल पै जांदी है कि ए लेट आ. ठीक है, आपां उहनूं मौका ही नहीं देना. यू डोंट गिव दैट परसन अ चांस टू थिंक इल अबाउट यू. वो वाली चीज नहीं करनी आपां. जिवें कि सागर ने मैंशन किया, अपना कंडक्ट ठीक रखो, राइट. ते जॉब विच तुहाडा काम की हुंदा है हुण? शॉपर्स ड्रग मार्ट वाली. शॉपर्स ड्रग मार्ट आई एम वर्किंग एज अ कैशियर एंड अ मर्चेंडाइजर. कैशियर इज बेसिकली हैंडलिंग द कैश, all the transactions that going through when the customers are coming, you have to deal with the customer, their queries. And when it comes to the merchandising, you just have to put the stock on the shelves and you have to face the items. If that stock is there, you have to check with the back stock if it's there. That's a simple job, nothing more difficult. I really like my job, Shoppers Drug Mart. I worked at Dollarama, I worked at various other places, but Shoppers Drug Mart is really good if you have to work. Okay, so बाकी हो और life का experience या homesickness इधर ने कुछ रहा? Life is, to be honest, at heart. People don't show you what you are going through. You have to deal with yourself. पिछे मैं बीमार होके अभी हटिया, मैं थोड़े दिन बुखार से गया हफ्ता मिलना सागर नु. मैं बीमार हो दा, इट्स ओके, इट्स फाइन, नॉर्मल चीज आ, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा, इट्स मोर लाइक अ फ्लू, है ना. सब नाल हो सकता है, किसी नाल भी हो सकता है, राइट. बाकी इत्थे तुसी आप ते डिपेंड करदे हो, जिन्ना तुसी अपने आप नु मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट रख सकते हो, अपने आप नु विच लैके चल सकते हो, तुहाडे लई उन्ना बेटर आ. बाकी हेल्प करने नु युवराज भाजी हैगे आ, असी हैगे आ, जदों भी क्वेरी होए युवराज भाजी ने कहूंगा साडा. हिट हिम अप ऑन इंस्टाग्राम, गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. कोई भी हेल्प चाहिदी असी जरूर आवे, क्योंकि साडी भी किसी ने हेल्प कीती आ एक पॉइंट ते. युवराज भाजी ने मेरी हेल्प कीती आ, टू बी ऑनेस्ट. मैं इन्नी ज्यादा कोई हेल्प नहीं कीती सागर दी, टू बी ऑनेस्ट, मैं साची दस रहा हां. बाकी ही इज बीइंग ग्रेटफुल, है ना. नहीं कीती आ, ही इज, आई एम वेरी फॉर्चूनेट टू हैव युवराज भाजी, टू बी ऑनेस्ट. ठीक आ, असी भी हेल्प करांगे, क्योंकि असी अपनी वो देखी है स्ट्रगल इनिशियल फेस ते. एंड वन थिंग इज स्ट्रगल हैगी आ, जे स्ट्रगल हैगी आ ताहीं साडी मेहनत भी हैगी आ, ताहीं उहदा फ्रूट भी आना. और कुछ जो तुसी किसी भी कोई अगर आना चाह रहा है या कोई सोच रहा है या किसी भी कुछ कोई कहना चाहो? बस जे आन दा बन बना लिया तां आ जाओ. डरन अटेंशन लैने नहीं, कोई गल नहीं. रियर व्यू मिरर च नहीं देखना. हां, उपर वाला बैठा उहने सारा कर देना. बाबे नानक दी कृपा हैगी आ, उहनां सारा कर. बाकी होर भी वीडियोस दे विच सागर नाल आपां गुफ्तगू करांगे, उहनूं पुछांगे बाकी चीज़ां बारे भी. इह ज़्यादा एक्सटेंड ना करदे होए वीडियो, आई वुड से कि थैंक यू सागर फॉर कमिंग इन दिस वीडियो. ते तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय.